हैं वो रहा खेसारी जी का घर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिंक कलर का वहाँ पर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश है और एक बार फिर से आप लोग का नए वीडियो पे स्वागत है। और आज हम लोग निकले हैं छपरा रसूलपुर चट्टी के लिए, वहाँ पर खेसारी लाल जी का घर है और आज हमसे वहाँ पर चलेंगे, खेसारी लाल जी से आज मिलेंगे हम लोग। तो ब्लॉग पे बने रहिए और कैसे कैसे चलना है स्टेप बाय स्टेप उनके घर तक का रास्ता आप लोग को बताएंगे। और इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर स्टेशन पर, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं पीछे हमारे, और 7:25 पे मौर्या एक्सप्रेस है जो कि गोरखपुर से ही बनकर जाती है। 70 रुपये टिकट है, तो आगे से टिकट हम लोग लेंगे फिर उसके बाद से निकलेंगे। तो अभी फाइनली दोस्तों हम लोगों ने मौर्या एक्सप्रेस पकड़ लिया है और देख सकते हैं खचाखच पूरी भीड़ लगी हुई है, पूरा मानो कि सीट फुल हो गया है यहाँ पर भी, और खड़े खड़े चलना पड़ रहा है। फाइनली हम लोगों ने ट्रेन से हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ पर छपरा जंक्शन पर आ पहुँचे हैं, और छपरा जंक्शन के बाद से यहाँ पर बाहर देख सकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों जैसे ही आप स्टेशन से आएंगे सीधे एकदम आने पे, तो यहाँ से तिराहा है, तो यहाँ से आपको रसूलपुर चट्टी के लिए गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं खेसारी जी के घर, और यहाँ पर देख सकते हैं गाय का तबेला है, वहाँ पर चाचा जी बैठे हुए हैं, और आगे जो है कि खेसारी जी का घर है, और हमारे ये जो पीछे देख रहे हैं ये भी खेसारी जी का नया जमीन लिए हैं, यहाँ पर भी उनका नया वाला घर बनेगा। और आइए चलते हैं उनके घर पर और दिखाते हैं आप लोगों को। वो रहा खेसारी जी का घर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पिंक कलर का वहाँ पर है, और वो पास में चलते हैं, पास से आप लोग को दिखाते हैं पीछे वाला, ये इनका दूसरा वाला मकान है और यहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इनका ट्रैक्टर यहाँ पर भी है, घर पर ट्रैक्टर टाली है, और ये मकान है तो ऊपर लिखा है त्रिमंगरू यादव मेघनाथ यादव अवम सिंह खेसारी लाल, उसके नीचे लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ का देख सकते हैं आप लोग। और उसके बाद से एक मकान है तो एक पीछे है, और एक उस साइड उधर बता रहे थे आप लोग को कि ज़मीन अभी नया लिए हैं तो वहाँ पर, और हमारे साथ स्वयं भाई भी हैं। चलिए जो आगे यहाँ पर ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी दिखा देते हैं आप लोग को, स्वराज का यहाँ पर ये देख सकते हैं ट्रैक्टर। और घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा हुआ है खेसारी जी के, और ये मकान है। छपरा जंक्शन से बहुत ही आसानी से बस में बहुत आसान से यहाँ सफ़र कर सकते हैं, रसूलपुर चट्टी तक रसूलपुर तक आ सकते हैं। रसूलपुर के बाद आप वहाँ से पूछ लीजिएगा कि धानाडी जाना है, तो धानाडी के लिए आप लोग को रास्ता मिल जाएगा, या खेसारी मोड़ वहाँ पर भी आप लोग को बता देंगे कि कैसे कैसे आना है, तो बहुत ही आसानी से आप आ सकते हैं, 1 किलोमीटर तक अंदर रास्ता पड़ता है। तो अभी आए हैं यहाँ पर जो खेसारी जी के यहाँ पर गायें बांधी जाती हैं, तबेला है एक तरह से, और चाचा जी रहे हैं, और बैक में आप लोग को दिखा देंगे जो नया ज़मीन लिए हैं जहाँ पर वो अपना मकान बनवाएंगे, तो ये पीछे वाली ज़मीन है। और यहाँ पर एक इनोवा कार भी है जिससे बाहर के घर के लोग कहीं भी जाना रहता है तो इसी से सब लोग जाते हैं, और एक कार भी है। तो दोस्तों ये जो आप लोग बाइक देख रहे हैं ये भी खेसारी जी का है, जब वो गाना गाते थे गाँव में रहते थे तो इसी बाइक से चलते थे। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और फिर से एक नए ब्लॉग और नए रिपोर्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।